दिस इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली कम्प्लीटली रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड. माई क्या, माई फैमिलीज चाइल्डहुड. बहुत पुराना एल्बम है, इसमें मेरी सिस्टर्स हैं, लाइक 90s का एल्बम है. तो मैं इसमें अपनी फ़ोटोज़ ढूँढूँगी आज फटाफट से. अब देखो काफ़ी स्टिकी स्टिकी हो गया. मैं अपनी ईमेल ढूँढती हूँ. आई थिंक दिस इज़ मी. ये जो छोटे से कृष्ण जी बने हैं ना, ये मैं हूँ. हमेशा से मैं ऐसे कैरेक्टर्स बनती हूँ घर में. बड़ी सी स्माइल, क्यूट सा फेस. आई थिंक आई एम क्यूट स्टिल. प्यारी लग रही हूँ ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इस एल्बम में हैं और कैप्चर्ड हैं. दिस इज ऑल्सो मी. टॉम बॉय. माई मम्मी एंड उत्कर्ष. मी. दिस इज़ वेरी प्रीशियस टू मी. मेरे बड़े पापा और मैं. मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं पहली ऐसी बच्ची थी जिसे बड़े पापा ने खिलाना स्टार्ट किया. आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ, बट ये प्रीशियस तो है. मी एज अ वेरी बम्पी बेबी. मैं कितनी क्यूट थी. उत्कर्ष, ये उसके मुंडन की है. हाउ चबी ही इज. दीज आर ऑल माई सिस्टर्स. माई फ्रेंड कौटिल्य, ही इज देयर. दिस इज मी. आरती दीदी, रुचि दीदी, पोची दीदी, गुड़िया दीदी एंड देयर फ्रेंड्स. अगेन नेक्स्ट फोटो. दिस इज़ माई फर्स्ट बर्थडे आई गेस. कौटिल्य के तक क्यूट लग रहा है. ही इज़ द वन जिसने मेरा नाम आयुषी रखा था. आई होप उसे याद होगा. माई हैंडसम पापा. शादी के टाइम की है. कितने अच्छे लग रहे हैं. वाह. माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मम्मी. हाउ स्लिम शी वॉज. मेरा शैतान भाई. बिक्की भैया. ये उत्कर्ष है, गोलू सा. दिस इज़ मी ऑब्वियसली हंसते हुए हमेशा. दिस इज़ माय सोलो फोटो. मैं शुरू से ही सांवली थी यार, गोरी तो कभी थी ही नहीं, बट आई थिंक मैं क्यूट थी. ये उत्कर्ष की फ़ोटो है. आई थिंक 1 साल का हुआ होगा तब की. कितना सुंदर लग रहा है ये. ये भी एक फ़ोटो है जिसमें आई डोंट नो किसने मेरे दांत काट दिए. मेरी रुचि दीदी का फेयरवेल. कितनी पतली थी ये. ये उनकी फ्रेंड्स हैं ज्योति दीदी और इनका मुझे नाम नहीं मालूम. ये अभी तक स्टिल फ्रेंड्स हैं. अब पुराना एल्बम है. ऐसे बड़े पापा ने सारी चीज़ें, सारी एक एक फ़ोटोज़ अपने हाथ से चिपकाई. आरती दीदी एंड गुड़िया दीदी. ये बहुत बता तो रही है. मेरे घर का सबसे प्रीशियस एल्बम है जिसमें बड़े पापा ने एक एक फ़ोटो अपने हाथ से चिपकाई थी. सारे फैमिली में इतनी सारी सिस्टर्स थी. सब घर आते थे, उनके फ्रेंड्स. बड़े मज़ा आता था. रुचि दीदी कितने क्यूट लग रहे हैं. हे ये छोटू इतना क्यूट लग रहा है. प्यारा सा बेबी. दिस इज़ अगेन मी. अ टॉम बॉय गर्ल. मेरे हमेशा बाल इन लोगों ने छोटे ही रखे और मैं कैसी टॉम बॉय टाइप की हूँ स्टिल. और ये वाली तो बहुत क्यूट लग रही है यार. इतने इनोसेंट कैसे थे हम पहले. ये मेरी बड़ी मम्मी कितनी दुबली थी. इतनी प्यारी. रुचि दीदी स्कूल में पार्टिसिपेट करते हुए. डांस का शौक हम सबको पहले ही सही था. ये घर की किसी पार्टी का है जहाँ पे सब डांस वांस कर रहे हैं. विक्की भैया, आरती दीदी. ये आरती दीदी के कज़न अंशु. अंशु भैया ये तो कौन है मुझे मालूम भी नहीं. छोटू मैं. ये मेरे घर की सबसे अच्छी फ़ोटो है आई थिंक. बड़ी मम्मी, मम्मी, मैं, छोटू, पोची दीदी. ये पीछे कौन खड़ा है मुझे पता नहीं चल रहा. अम्मा. वी मिस दोस डेज. दिस इज लव. बड़े पापा बड़ी मम्मी की 25th एनिवर्सरी. आई थिंक उसी में गिफ्ट किया हुआ एल्बम है. बड़े पापा ने इसमें इसमें फ़ोटोज़ पेस्ट करी हैं. सुबह उन कथा वगैरह थी, शादी टाइप का फंक्शन हुआ था. देन उसके बाद एनिवर्सरी हुई थी. काफ़ी सुंदर लग रहे थे दोनों. इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं.
मैं, ये मैं हूँ। ये शाम की पार्टी के लिए केक कट हुआ था, और ये बहुत पुराना एल्बम है। अभी अगर बड़े पा बड़े में होते तो शायद हम 50वीं की तैयारी कर रहे होते उनके। काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, काफ़ी सारे लोग आए थे, काफ़ी गिफ्ट्स मिले थे। कितने खुश हैं। मेरी मम्मी पहले कितनी हेल्दी थी, अब तो बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हैं। मम्मी पहले बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं हम किस पे चले गए। ये मेरे घर का जिमी, मेरे घर का फर्स्ट डॉग, आई थिंक जैकी की भी होगी इसमें फ़ोटो, ये रुचि दीदी। ये सेकेंड डॉगी है, ये जैकी, दो डॉग थे हमारे यहाँ। ये मेरी फ़ोटो, ये मेरी दीदी स्टूडियो से ही ले आई थी, लास्ट पीस भी। इसके भी दो कॉपी थे स्टूडियो में, एक लगा था वो भी दीदी ले आई थी। वो शुरू से ही तैयार होने का, मेकअप का इतना शौक़ था कि बचपन से ही तैयार किया जाने लगा था। सेम कॉपी। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट।